पानीपत के रेलवे स्टेशन पर ढोल बजाकर हिमांशी का जोरदार स्वागत किया जा रहा है, आप लाइव तस्वीरों में देख भी सकते हैं। दरअसल एनवी आर्चरी अकादमी की हिमांशी ने भारत के सबसे बड़े मुकाबले में से एक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल में कांस्य पदक जीता है। अकादमी में पहुंचने पर हिमांशी का जोरदार स्वागत किया गया और इससे पहले पानीपत के रेलवे स्टेशन से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जहां हिमांशी का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। हिमांशी ने पानीपत का नहीं, अकादमी का नहीं, बल्कि पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है। दरअसल लखनऊ उत्तर प्रदेश में 25 मई से 3 जून तक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता का आयोजन, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों की यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों ने शिरकत की, जिसमें एनवी आर्चरी अकादमी में अभ्यास करने वाली हिमांशी ने अन्य यूनिवर्सिटी से आए खिलाड़ियों को पछाड़ते हुए तीरअंदाजी टीम प्रतियोगिता में कांस्य पदक पर अपना कब्जा कर लिया। हिमांशी आर्य कॉलेज की थर्ड ईयर की छात्रा है। हिमांशी का उत्कृष्ट प्रदर्शन उसके समर्पण और कड़ी मेहनत का प्रमाण था, क्योंकि उसने पूरे टूर्नामेंट में अपने असाधारण तीरअंदाजी कौशल का प्रदर्शन किया था। उसने अपने अटूट ध्यान और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करते हुए देश भर के कुछ सर्वश्रेष्ठ तीरअंदाजों के साथ संघर्ष किया। तो आपसे अपील है कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इस सारे मामले में हिमांशी और उनके गुरुजनों का क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम हिमांशी है, मैं RIPG कॉलेज में पढ़ती हूँ और मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट होकर खेलने गई थी और हमारा वहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा। हमने वहाँ पे टीम में ब्रॉन्ज मेडल जीता, सीनियर की टीम थी हमारी, और ये मैच 25 से लेकर 3 तारीख तक के BBD यूनिवर्सिटी में हुआ था लखनऊ में। ऑल ओवर इंडिया ऑल यूनिवर्सिटीज़ जितने भी थी सब ने भाग लिया था। हमारा टीम में गोल्ड रहा था, क्योंकि पेरेंट्स और आजकल जो हमारी सोसाइटी है वो यही कहती है कि पढ़ाई भी उतनी ही होनी चाहिए जितना गेम है, और पढ़ाई और स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस दोनों बराबरी पर रखनी चाहिए। मैं 6 से 8 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ और मैं यही GDR स्कूल में ही प्रैक्टिस करती हूँ। हमारे कोच हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं, वो सारा दिन हमारे साथ ही खड़े रहते हैं। जब भी हमें हेल्प चाहिए होती है, एक कॉल करने पे तभी वो फ़ोन उठाते हैं, तभी आ जाते हैं जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है, कि पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी उतना ही ज़रूरी है और आगे बढ़ने के लिए सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं चलता, दुनिया के बारे में जानना, सबको पहचानना भी ज़रूरी होता है। ये लड़की हमारी आर्य कॉलेज में पढ़ती है और एनवी आर्चरी अकेडमी हमारे पास प्रैक्टिस करती है। ये हाल ही में अभी हमारे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे थे लखनऊ के अंदर, ये बच्ची हमारी वहाँ पर टीम गेम के अंदर, रिकर्व टीम के अंदर ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है। तो हमें बहुत अच्छा उम्मीद है कि ये लड़की और आगे धीरे धीरे प्रैक्टिस करेगी और गोल्ड मेडल भी जल्दी लेके आएगी। इस बच्चे का स्टार्टिंग से मैं देख रहा था, इसका वाई बहुत क्लियर था कि मुझे क्यों कर रहे हैं ये गेम, इसके माइंड में वो क्लियर है। और मुझे ये ऐसे बच्चों की तलाश है कि जो बच्चे जिनका वाई क्लियर हो कि मुझे ये चीज़ क्यों कर रही है, धीरे धीरे आगे अपना बढ़ जाएंगे। तो बहुत जल्द हमारी ये लड़की गोल्ड मेडल भी लेके आएगी। यूनिवर्सिटी में सर हमारे टोटल 16 बच्चे गए थे जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर, ऑल अराउंड हरियाणा या फिर जो बाहर के बच्चे भी, उनकी टीम बन के गई थी। उस टीम के अंदर हमारी हिमांशी भी एक बच्ची थी। अकेडमी से सिर्फ हमारी इसका हिमांशी का सिलेक्शन हुआ था उस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के अंदर। लड़कियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा गेम, मैं ये नहीं कह रहा आर्चरी गेम चूज़ करो, बहुत सारे गेम है, एक्सप्लोर करो ताकि आपको एक फ्रीडम मिल सके कि आप अपने अकॉर्डिंग खुद अपने पैरों पर स्टैंड कर सको। और आर्चरी गेम ऐसा कि इसमें कंपटीशन कम है तो बच्चे जल्दी आगे निकल पा रहे हैं हमारे, साथ साथ आपकी स्टडीज़ में भी इसमें कोई लॉस नहीं होता, तो बच्चे बहुत आगे निकलते हैं इसके अंदर। हमारी एकेडमी में सर ये 6 से लेकर 7 घंटे तक रेगुलर प्रैक्टिस करती है, सुबह और शाम को प्रैक्टिस को मिला के। हमारे सर बहुत सारे मेडल आ चुके हैं, अभी रिसेंटली हमारे नेशनल में इवेंट हुआ था जो जूनियर सब जूनियर गेम्स हुए थे, उसके अंदर हमारे 4 गोल्ड मेडल आए थे नेशनल्स के अंदर बच्चों के। टोटल हमारे पास अराउंड 32 बच्चे हैं उस वाली एकेडमी के अंदर, और हाल ही में हमने मॉल टाउन के अंदर भी न्यू एकेडमी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जो भी इंटरेस्टेड बच्चा हो तो वहाँ मेरे पास कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी बेटी पहले, इसको शौक हुआ आर्चरी करने का, पहले ये थी चमनवाटी का गुरुकुल में, वहाँ से इसको शौक लगा, उसके शौक हुआ तो वहाँ से इन्हें आर्चरी शुरू करी। उसके बाद इसका साई में सलेक्शन हुआ कलकत्ता, वहाँ प्रैक्टिस करी, उसके बाद ये आई फिर NV आर्चरी अकेडमी में, वहाँ प्रैक्टिस कर रही है, और हमारे को बहुत खुशी हुई भाई ये मेडल जीत का आई है, इसने अपना कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया है। ये खेलो इंडिया में गई थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से, और हमारे को बहुत खुशी हुई, इसने पूरे यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया है, और आगे हम ये चाहते हैं कि देश के लिए खेले, ओलंपिक में जाए और गोल्ड मेडल के लिए अपनी तैयारी करे। सर मेरी 2 बेटियाँ, एक बेटा है, एक बेटी है दिल्ली, वो UPSC की तैयारी करती है और ये आर्चरी करती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हर माँ बाप ने अपने बेटे को, बेटी को स्पोर्ट्स में डालना चाहिए, जो देश के लिए कुछ आगे जाए और देश का नाम रोशन करें।
तो ये हिमांशी थी हमारे साथ, जिन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने संघर्ष किया। हिमांशी खुश हैं, उनके परिवार वाले खुश हैं, कोच खुश हैं, तो जाहिर तौर पर ये खुशी जब चेहरे पर आती है तो चेहरे की रौनक और बढ़ जाती है। तो जुड़े रहिए वाइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।